आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं हम फायरबोल्ट की दो ऐसी स्मार्ट वॉचेस के बारे में जो कि अपनी रगडनेस के लिए जानी जाती हैं। एक तरफ है पिछले मंथ लॉन्च हुई फायरबोल्ट टैंक और दूसरी है इसी मंथ लॉन्च हुई फायरबोल्ट कोबरा। तो इन्हीं दोनों का फीचर कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी ज्यादा बेटर होगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इन दोनों के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये दोनों वॉचेस रेक्टेंगल शेप में आ जाती हैं। दोनों ही काफी रग्ड एंड टफ स्मार्ट वॉचेस हैं। फायरबोल्ट कोबरा 3 लेयर बॉडी शील्ड से बनी हुई है और ये काफी मिलिट्री ग्रेड की वॉच है और दूसरी तरफ फायरबोल्ट टैंक भी काफी रग्ड एंड टफ वॉच है बट फायरबोल्ट कोबरा जितनी नहीं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी फायरबोल्ट कोबरा की थोड़ी सी मच बेटर है। अब अगर मैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की डिस्प्ले की बात करूं तो फायरबोल्ट कोबरा में आपको 1.78 इंच की ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। इसका पिक्सेलाइजेशन 360x448 है और वही यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी, जबकि फायरबोल्ट टैंक में आपको 1.85 इंचेस की HD डिस्प्ले मिलती है जिसका पिक्सेल रेजोल्यूशन 240x280 है। तो वही साफ है इसकी डिस्प्ले ज्यादा बेटर है फायरबोल्ट कोबरा की। दोनों वॉचेस में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है जो कि क्लाउड वॉच फेसेस होते हैं और आप इन दोनों वॉचेस में ही कस्टमाइज वॉच फेस भी लगा सकते हो। और हाँ, दोनों ही वॉचेस में आपको एक ऐसा फीचर मिल जाता है जो कि काफी कॉमन है, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, और उससे रिलेटेड सारे के सारे फीचर भी मिलेंगे और साथ में ये वॉच असिस्टेंट का सपोर्ट भी ले लो। अब अगर मैं स्पोर्ट मोड की बात करूं तो दोनों वॉचेस में आपको 123 स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलता है जिनमें आपकी डेली एक्टिविटी सारी की सारी आ जाएंगी। अब अगर मैं हेल्थ पैरामीटर की बात करूं तो दोनों वॉचेस में आपको सारे के सारे हेल्थ रिलेटेड सेंसर मिल जाते हैं। दोनों वॉचेस में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ सारे सारे डेली यूटिलिटी फीचर्स भी मिल जाएंगे। जहां एक तरफ फायरबोल्ट कोबरा में आपको IP68 का वाटर प्रोटेक्शन मिलता है, वहीं फायरबोल्ट टैंक में IP67 का। दोनों वॉचेस में आपको 8 UI टाइल मेन्यू ऑप्शन मिल जाता है और दोनों वॉचेस iOS और एंड्रॉइड दोनों के साथ कंफर्टेबल है। फायरबोल्ट कोबरा में आपको 15 दिन का बैटरी लाइफ मिलता है जबकि फायरबोल्ट टैंक में 7 दिन का। तो भाई ये तो सारे फीचर हो गए इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के। अब अगर मैं लास्ट में प्राइस की बात करूं तो फायरबोल्ट टैंक इस टाइम 3000 रुपए की चल रही है जबकि फायरबोल्ट कोबरा 3500 की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगी। लेकिन फायरबोल्ट टैंक 2000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुई थी जबकि इसकी प्राइस सेल में कभी कभी 2000 रुपए फिर से बहुत जाती है। तो भाई डिस्प्ले और बैटरी को छोड़कर सारे के सारे फीचर लगभग सेम है इन दोनों वॉचेस के। अगर आपको फायरबोल्ट टैंक सेल में थोड़ी सस्ती मिलती है तो आप उसको डेफिनेटली कंसीडर करिए। यदि आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको एक अच्छी वॉच लेनी है तो आप 3500 रुपए खर्च करके फायरबोल्ट कोबरा ही लीजिए। आई होप मेरा ओपिनियन आपको ठीक लगा हो। जो भी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी कंपनी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।